हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी खिचड़ी। खिचड़ी तो सभी घरों में बनता है, लेकिन आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चे और बड़े सब चाव से खाएंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने लिया है आधा फूल गोभी, एक बैंगन, दो टमाटर, दो प्याज और दो मिर्ची और एक आलू इसमें पड़ता है। अब इन सबको हम काट लेंगे। मैंने धो लिया है, अब इसको हम धोकर इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सभी वेजिटेबल्स को कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम एक कढ़ाई में लगभग 2 चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे। आप इसे घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सरसों तेल बना रही हूँ। और इसमें फिर हम 2 मिर्ची और 1 तेज़पत्ता का फ़ोरन डालेंगे। और उसके बाद जो सब्ज़ी मैंने सब कट के रखा था वो सब इसमें डाल के सबको अच्छे से हम लोग 5 से 7 मिनट तक इसको हम लोग पकाएंगे। ये देखिए, मैंने सभी को इसमें डाल दिया है, सभी वेजिटेबल को। अब इसको हम लोग 5 से 7 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, इसमें चाहे तो आप मटर भी डाल सकते हैं, पर अभी मटर का सीज़न तो है नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाला है। मटर डालने से और भी अच्छा लगता है। अब हम लेंगे अरवा चावल आधा कटोरी और आधा कटोरी चावल और आधा कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने लिया है मूंग दाल। और इसमें 3 चम्मच जो टीस्पून होता है उससे मैंने 3 चम्मच लिया है रहड़ और मसूर की दाल। अब इन सबको हम लोग धो लेंगे। अब ये सब्ज़ी लगभग पक चुका है, इसमें मैं हल्दी और नमक डाल दूँगी। मैंने इसमें 1.5 चम्मच हल्दी डाला है, मैंने चावल के हिसाब से भी अभी डाल दिया है। और इसमें नमक डाल देंगे और मैंने इसमें नमक भी अपने अनुसार डाल दिया है। इसमें ये सब्ज़ी और वो जो चावल है दोनों के अनुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब फ्रेंड्स, इसमें हम लेंगे लगभग 1 चम्मच गरम मसाला का पाउडर बस। और इसमें हम कुछ भी मसाला का यूज़ नहीं करेंगे, बस नमक, हल्दी और गरम मसाला। अब ये सब्ज़ी भी लगभग हो चुका है। अब इधर मैंने चावल और दाल को धो लिया है। अब इस सब्ज़ी में मैं सबको डाल के मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, देखिए सब्ज़ी पूरा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें जो मैंने दाल वॉश किया था सबको हम डाल के मिक्स कर लेंगे, ताकि दाल भी जो है वो थोड़ा सा, इसमें मैंने मूंग की दाल डाला है तो उसे थोड़ा सा उसको भी भून लेते हैं, तब उससे उसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, अब ये हो चुका है। अब इन सबको मैं क्या करूँगी, एक कुकर में सबको डाल दूँगी। अब मैं इसे कुकर में डाल के कुकर में पकाऊँगी, ताकि दाल और चावल जो है वो पूरा अच्छे से पक जाए। अब इसमें मैंने 3 ग्लास पानी दिया है, 3 ग्लास से कम नहीं लेना है, नहीं तो वो खिचड़ी जैसा नहीं होगा। अब इसमें हम लोग पानी को डाल देंगे और उसके बाद इसमें हम लोग फ्लेवर के लिए थोड़ा धनिया का पत्ता डालेंगे। फ्रेंड्स, इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे ढक्कन लगा के 1 सीटी तक पकने के लिए रख देंगे। अब ये 1 सीटी हो गया है, अब इसे हम खुलने के लिए रख देंगे। और जब तक कुकर खुलता है तब तक हम इधर खिचड़ी के साथ खाए जाने वाली चीज़ों को बना लेते हैं। इसके लिए मैंने पापड़ तल लिया है और इधर चोखा भी बना लेंगे। चोखा के लिए मैंने ये बॉयल आलू लिया है और इसमें नमक, मिर्ची और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के चोखा बना लेंगे। देखिए, इस तरह से हम लोग सादा चोखा बनाएंगे। खिचड़ी में यही चोखा अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, अभी चोखा भी बन चुका है। अब हम कुकर खोल के देखेंगे कि खिचड़ी बना है कि नहीं। फ्रेंड्स,
ये देखिए खिचड़ी पूरा अच्छी तरह से पक चुका है, अब इसको मैं सर्व करूँगी। ऐसे खिचड़ी पूरा ठीक बना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, ये पूरा परफेक्ट बना है। अब इसको हम लोग सर्व करेंगे। और इसमें ऊपर से हम थोड़ा घी डाल देंगे ताकि खिचड़ी का स्वाद है वो और भी बढ़ जाए। अब इसे डायरेक्ट घी में भी बना सकते हैं, पर मैंने तो तेल में बनाया है इसलिए ऊपर से घी डाल दिया है। अब मैं फ्रेंड्स, अब ये खिचड़ी बन के रेडी हो चुका है। आप फ्रेंड्स इस तरह से खिचड़ी बनाइए और टेस्ट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।